हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनवायरमेंट साइंस की 16th क्लास। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अगर आपको अच्छी लगे तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना है कि कैसी लगी, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ भी आपको मिलती रहे। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वाटर पॉल्यूशन। वाटर पॉल्यूशन क्या होता है? जब वाटर बॉडीज यानी कि जैसे कि लेक्स हैं, रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, उनमें क्या होता है, कंटेमिनेशन हो जाता है, यानी कि वहाँ पे जो हजारडस सब्सटेंसेस हैं वो मिक्स हो जाते हैं, नुकसानदायक जो सब्सटेंसेस हैं वो मिक्स हो जाते हैं, तो क्या होता है, वाटर पोल्यूट हो जाता है। और जो ये कंटेमिनेशन होता है जो वाटर बॉडीज का, ये किस वजह से होता है? ज़्यादातर ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। ज़्यादातर जो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं वो कौन से हो सकते हैं? बायोलॉजिकल भी, केमिकल भी, फिजिकल भी। बायोलॉजिकल कौन से हैं? जैसे कि पैथोजन्स हैं, यानी कि जो डिजीज कॉज करते हैं, यानी कि जो बीमारी फैलाते हैं। जो ऑक्सीजन डिमांडिंग वेस्ट है वो बढ़ते हैं तो भी वाटर पोल्यूशन होता है। ऑक्सीजन डिमांडिंग जो वेस्ट है वो क्या है? वाटर पोल्यूटेंट है, बायोलॉजिकल वाटर पोल्यूटेंट है। फिर आता है केमिकल पोल्यूटेंट कौन से हैं? जैसे कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर्स यूज़ होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में, टॉक्सिक इनऑर्गेनिक मटेरियल है, जैसे कि परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स हैं जिन्हें पीओपीएस कहते हैं। फिर आता है फिजिकल पोल्यूटेंट्स कौन से हैं? जैसे कि सेडिमेंट्स हैं, थर्मल पोल्यूशन वेस्ट है, थर्मल पोल्यूशन है, जैसे कि सॉलिड वेस्ट है। फिर आता है जो वाटर पोल्यूटेंट है उनके सोर्स के टाइप कौन से होते हैं, जैसे कि पॉइंट सोर्स है, यह क्या होता है, एक फिक्स लोकेशन से ही निकलते हैं वाटर पोल्यूटेंट इसमें से, जैसे कि फैक्ट्री है या सीवर पाइप है। फिर आता है जो नॉन पॉइंट सोर्स है वो कौन से है? ये बहुत सारी जगह पे क्या होता है, फैला होता है लार्ज एरिया में, जैसे कि स्नो मेल्ट होती है तो उसका रन ऑफ होता है, तो क्या होता है, जो पोल्यूटेंट्स हैं उनकी मूवमेंट होती है। फिर आता है जो वाटर पोल्यूटेंट्स हैं उनके सोर्सेज कौन से हैं, जैसे कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाए उससे भी। फिर आता है रैपिड अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, ये भी क्या है, वाटर पोल्यूटेंट के सोर्सेज हैं। फिर आता है जो वाटर पोल्यूशन है उसके अफेक्ट्स क्या क्या हैं। वाटर पोल्यूशन के अफेक्ट हैं जैसे कि यूट्रोफिकेशन है। यूट्रोफिकेशन क्या होता है? जैसे कि जो वाटर बॉडी है वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग ब्लूम की फॉर्मेशन हो जाती है, यानी कि एल्गी की ग्रोथ बढ़ जाती है वेस्ट प्रोडक्ट्स की वजह से, जैसे कि जो ये केमिकल्स होते हैं वेस्ट में, उससे क्या होता है, जो वाटर में एल्गी की फॉर्मेशन है जो ग्रोथ है वो बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है, वो जो वाटर के सरफेस पे चारों ओर क्या होता है, एल्गी की फॉर्मेशन हो जाती है, और उससे क्या होता है, जो वाटर का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो जाता है, और जो प्लांट्स और एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं वाटर बॉडीज में उनकी डेथ हो जाती है, और उस वजह से उसे क्या कहते हैं, रेड जोन। फिर आता है जो वाटर पोल्यूशन है उसकी वजह से उसके और क्या अफेक्ट हैं, ये वाटर बोर्न डिजीज भी कॉज हो जाते हैं, यानी कि जैसे कि टाइफाइड है, कोलेरा है, पैरा टाइफाइड फीवर है, डिसेंट्री है, जॉन्डिस है, अमोइबाइसिस है, मलेरिया है। फिर आता है जो केमिकल्स यूज होते हैं वो वाटर में चले जाते हैं, तो उससे क्या होता है, नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं हेल्थ पे, जैसे कि पेस्टिसाइड्स हैं वो वाटर में जाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो वाटर है वो यूज करते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स, फिर जो पेस्टिसाइड्स हैं वो क्या कॉज करते हैं, नर्वस सिस्टम डैमेज कर देते हैं, कैंसर भी कॉज कर देते हैं। और एक बात और, जो ये सोर्सेज हैं वाटर पोल्यूटेंट की, सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन किसकी वजह से होता है, और एक तरह से इनमें से वाटर पोल्यूटेंट भी निकलते हैं, ये दोनों के ही सोर्सेज हैं।
फिर आता है कंट्रोल्स ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन को कैसे, जैसे कि जो फैट है, ऑयल है, ग्रीस है, उन्हें जैसे सिंक में ना डाला जाए, उससे भी वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि जो घरों में केमिकल्स या क्लीनिंग एजेंट्स यूज होते हैं, उनका डिस्पोज ना किया जाए सिंक के थ्रू या टॉयलेट के थ्रू। फिर है जो लिक्विड है, जो दवाइयाँ जो पाउडर के फॉर्म में दवाइयाँ, या जो पिल्स होती हैं, और या ड्रग्स हैं, उन्हें डिस्पोज ना किया जाए वाटर में थ्रू सिंक या टॉयलेट के। फिर है जो गार्बेज है, उसका डिस्पोजल ना किया जाए वाटर में, उससे भी वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। जो डिटर्जेंट है, ब्लीच जो होती हैं, उनका कपड़े धोते वक्त कम से कम यूज़ किया जाए, उससे भी वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। पेस्टिसाइड्स हैं, हर्बिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, उनका यूज़ कम करके भी वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सकता है। अब आता है सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या है? ये एक लैंड डिग्रेडेशन का पार्ट है, यानी कि जो ज़मीन ख़राब हो जाती है उसका पार्ट है। और ये जो प्रेजेंस होती है जीनोबायोटिक केमिकल्स की, या जो सोइल एनवायरनमेंट है उसमें जो बदलाव होते हैं, उनकी वजह से होता है। जीनोबायोटिक केमिकल्स कौन से होते हैं? जो मैन मेड केमिकल्स होते हैं, यानी कि जो इंडस्ट्री वगैरह से निकलते हैं। फिर है जो सोइल पोल्यूटेंट्स हैं, वो कौन से हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं? जैसे कि बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं। बायोलॉजिकल एजेंट्स में जैसे कि जो मैन्योर्स हैं, डाइजेस्टेड स्लज हैं, जो कि ह्यूमन, बर्ड और एनिमल एक्सक्रीटा से निकलते हैं, ये भी सोइल के अंदर काम करते हैं और सोइल पोल्यूशन कॉज करते हैं बहुत। फिर क्या है? एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस में क्या है? जो पेस्टिसाइड्स हैं, फर्टिलाइजर्स हैं, वो भी वो रिली वो यूज़ होते हैं, उनसे क्या होता है, सोइल पोल्यूशन हो जाती है, और ये क्या है, सोइल पोल्यूटेंट्स हैं। फिर है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, जैसे कि रेडियम है, थोरियम है, यूरेनियम है, ये भी सोइल में टॉक्सिक अफेक्ट कॉज करते हैं। और जो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेज हैं, मेनली जो रेडियो एक्टिव जो सब्सटेंसेज यूज़ होते हैं, वो थर्मल पावर प्लांट्स वगैरह में यूज़ होते हैं। फिर है जो अर्बन वेस्ट है, अर्बन वेस्ट में जैसे कि गार्बेज है, या खराब मटेरियल है, या स्लज वगैरह जो निकलते हैं सीवेज के थ्रू, ये भी सोइल पोल्यूशन कॉज करते हैं। फिर आता है इंडस्ट्रियल वेस्ट। जो इंडस्ट्री से जो वेस्ट निकलता है, वो भी सोइल पोल्यूटेंट ही होता है एक तरह से, और सोइल पोल्यूशन कॉज करता है। जो सॉइल पोल्यूटेंट कौन से हैं? स्टील है, पेस्टिसाइड्स हैं, टेक्सटाइल्स हैं, ड्रग्स हैं, ग्लास है, सीमेंट है, पेट्रोलियम है, ये भी सॉइल पोल्यूटेंट्स हैं इंडस्ट्रियल इंडस्ट्री से निकलने वाले। फिर आता जो सॉइल पोल्यूटेंट्स हैं मेन कौन से हैं, जैसे कि लेड है, मरकरी है, आर्सेनिक है, कॉपर है, जिंक है, निकल है, पोली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हर्बिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स हैं, ये क्या है, सोइल पोल्यूटेंट्स हैं। फिर आता है जो अफेक्ट है सोइल पोल्यूशन के, वो क्या क्या है? ये जो सोइल पोल्यूशन है वो क्या कॉज करता है? जैसे कि हेडेक है, सिर में दर्द है, नोसिया है, फैटिग है, स्किन रैशेज हैं, जैसे कि जो आँखों में जलन हो जाती है, या स्किन पे जो निशान होने लगते हैं, और ये जो कॉजेस हैं ये आगे क्या होते हैं, सीरियस कंडीशन भी कॉज करते हैं, जैसे कि न्यूरो मस्कुलर ब्लॉकेज हो जाती है, या किडनी और लीवर का डैमेज हो जाए, या कैंसर की अलग अलग फॉर्म्स जो क्रिएट हो जाए, यानी कि अलग अलग तरह का कैंसर कॉज हो जाए। रहता है जो सॉइल पोल्यूशन है उसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? जैसे कि जो फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उनका यूज़ कम करके।
जो ग्लास और प्लास्टिक के जो मटेरियल यूज़ होते हैं उनका भी यूज कम करके हम सॉइल पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। जो मटेरियल्स हैं उनकी रिसाइकल और रिकवरी करके हम क्या करते हैं, क्या कर सकते हैं, सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि वेस्ट कम निकलेगा तो क्या होगा, डंप कम होगा और सॉइल परफेक्ट कम होगी। फिर है जो पेस्टिसाइड्स हैं उनका यूज़ कम करके, जो ग्रेजिंग है और जो फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसको कंट्रोल करें तो सॉइल पोल्यूशन भी कंट्रोल हो सकता है। जो विंड ब्रेक है या विंड सील्स हैं उनको बना के क्या कर सकते हैं, जो विंड की वजह से जो सॉइल इरोजन होता है उसको भी कम कर सकते हैं। और जो ये सॉइल बाइंडिंग ग्रासेज हैं उनको उगा के यानी कि उनकी ग्रोथ करके ग्रोथ हम जो सॉइल पोल्यूशन उसको कम कर सकते हैं और सॉइल जो इरोजन होता है उसे भी कम कर सकते हैं। फिर है एफोरेस्टेशन, रिफोरेस्टेशन, यानी कि जो पेड़ों की कटाई होती है उनको दोबारा पेड़ों को उगाया जाए, उनसे भी क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन कंट्रोल हो सकती है। आज का हमारा जो क्लास थी वो यहीं तक थी। आई होप आपको समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि कैसी लगी। थैंक यू ऑल।